नमस्कार, पीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ी सियासी हलचल, नीतीश कुमार का परिवारवाद पर निशाना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पूरे गुजरात में कार्यक्रम, नमो नव मतदाता सम्मेलन के आयोजन। और हरणी दुर्घटना में लेक जोन का मुख्य सूत्रधार परेश शाह गिरफ्तार, 6 आरोपी 6 दिन के रिमांड पर। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की संभावना सामने आने से सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। राजनीति में परिवारवाद पर नीतीश कुमार के बयान के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू में तल्खी बढ़ गई है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर बदलते सियासी घटनाक्रम को लेकर भाजपा में भी हलचल दिखाई दे रही है। पार्टी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को तुरंत दिल्ली पहुंचने का आदेश दिया है। वह पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के साथ रवाना हो गए हैं। वहीं बिहार से आने वाले सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी दिल्ली पहुंचने को कहा गया है। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि भाजपा ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। आज गुरुवार को रोहिणी की 3 सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी अटकलों का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि विवाद बढ़ा तो रोहिणी ने अपने सभी पोस्ट डिलीट कर दिए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह जिसकी बदलती विचारधारा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष में वडोदरा की पारुल विश्वविद्यालय के युवाओं को मतदान के प्रति भारतीय जनता पार्टी के गुजरात अध्यक्ष सीआर पाटिल की उपस्थिति में जागरूक किया गया। देश भर के लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देश भर में इस दिन कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसा ही कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में वडोदरा के पारुल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। यहां गुजरात के भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल उपस्थित रहे। नमो नव मतदाता सम्मेलन के तहत पारुल विश्वविद्यालय द्वारा युवाओं के बीच मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाने की प्रेरणा देते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 11,000 छात्रों ने शिरकत करते हुए नमो नव मतदाता सम्मेलन में मतदान की जागरूकता की जानकारी ली। कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ सांसद रंजन बिन भट्ट, पूर्व मेयर भरत जांगर, भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पटेल, पारुल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट देवांशु पटेल और पदाधिकारी की उपस्थिति रही। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब आज नव मतदाता साथे वात करवा माटे नो एक कार्यक्रम, एक वर्चुअल कार्यक्रम नो आयोजन कर्यो हतो। वडोदरा मां पारुल यूनिवर्सिटी खाते लगभग 11,000 जेटला स्टूडेंट के जेमणे पहली वार मतदान नो अधिकार मळ्यो छे ए लोको जोड़ाया था। आखा गुजरात माथी 5,00,000 युवानो जोड़ाया था अने अमारी माहिती प्रमाणे आखा देश माथी 50,00,000 युवानो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहेबना आ वर्चुअल कार्यक्रम में जोड़ाया था। आ नव मतदाताओने एमना मताधिकार में केटली ताकत छे, એમના મતના અધિકારનો વપરાશ કારણે કારણે એક સ્થિર સરકાર બની શકે, સ્થિર સરકાર એ મજબૂત નિર્ણય લઈ શકે। આ દેશના વિકાસના અનેક નિર્ણયો જે હમણાં ભૂતકાળમાં લેવાયા છે એના કરતાં વધુ નિર્ણયો લઈ શકાય। નવ મતદાતાઓના એમના ઉત્કર્ષ માટે, એમના ભવિષ્ય માટે, એમના ટેલેન્ટનો ઉપયોગ કરવા માટે એ જે તાકાતની જરૂર છે એ તાકાતને આપવા માટે નવ મતદાતાઓએ મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। આ નવ મતદાતાઓને એમણે જે મળેલા મત અધિકાર માટે અભિનંદન તો આપ્યા જ, પરંતુ સાથે સાથે સરકારે જે યુવાનો માટે અલગ અલગ યોજનાઓ બનાવી, જે યુવાનો નિરાશ ન થાય એના માટે એમણે સ્વાવલંબી બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। નોકરી શોધવાને બદલે નોકરી આપનાર યુવાન બને એ પ્રકારની વ્યવસ્થા ઊભી કરી અને બેંકોથી વગેરે વ્યાજની લોન મળે અને એના ગેરંટર તરીકે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પોતે હોય એની પણ એમને ખાતરી આપી। આવા અનેક પ્રકારની યોજનાઓની વાત મોદી સાહેબે આજે કરી છે।
गुजरात के वडोदरा के एमएसयू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयोग द्वारा 2011 से राष्ट्रीय मतदान दिवस का आयोजन किया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को मतदान के तरीके, अधिकार और जवाबदारियों से वाकिफ करवाना है। इस वर्ष मतदान जैसा श्रेय कार्य दूसरा कोई नहीं, मैं जरूर मतदान करूंगा थीम पर मतदान दिन मनाया गया। वडोदरा में कलेक्टर एवी गौर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएलओ, सुपरवाइजर, एसआरओ, एएसआरओ और अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर युवा मतदाता महोत्सव, विजेता सम्मान और हम भारत के मतदाता हैं गीत को लॉन्च किया गया। बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलओ कैंपस एम्बेसडर को प्रमाण पत्र एनायत किए गए। इस मौके पर जाने माने गरबा गायक अतुल पुरोहित मतदान प्रक्रिया के आइकॉन के तौर पर उपस्थित रहे। नव युवा मतदाताओं को मतदान पहचान पत्र एनायत किए गए। इस मौके पर कलेक्टर, उपचुनाव अधिकारी, तमाम मतदाता केंद्र के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर द्वारा तमाम उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रतिज्ञा दिलवाई गई। मारो अहो भाग्य छे के आपड़ा भारत की चूंटनी प्रक्रिया में एक भाग बनावानो मने सौभाग्य प्राप्त थयो। सौथी पहला तमारा दीकरा दीकरीओने हूँ आवाहन आपीश के जेम गरबा में तमे सौ एक साथ एक रस थईने रममाण थई जाओ छो, एवी ज रीते आपड़ा देशनी आ चूंटनी प्रक्रिया में એટલા જ ઉત્સાહથી, એટલા જ ઉમંગથી મતદાન કરજો। તમને ગમે એ સરકાર લાવવાનો તમારા હાથમાં છે, તમારો એક મત ખૂબ કિંમતી છે, માટે સૌને હું આમંત્રણ આપું છું, આહ્વાન કરું છું મારા દીકરા દીકરીઓ, મારા તમામ ચાહકો, મારા મિત્રોને કે આપણો એક મત ખૂબ કિંમતી છે, એટલે ખૂબ ભાવથી, ખૂબ ઉત્સાહથી, ખૂબ પ્રેમથી માં ભારતની સંસ્કૃતિ અને આપણી ધરોહર જાળવી રાખવા માટે તમારો એક મત ખૂબ કિંમતી છે, તો ભાવથી મતદાન કરજો, પ્રેમથી મતદાન કરજો। તમને ગમતી સરકાર ચૂંટવા માટેનો આ સુવર્ણ મોકો છે। રાષ્ટ્રીય મતદાર દિવસના દિવસે વડોદરા જિલ્લામાં વડોદરાના લોકપ્રિય ગરબામાં જેમનું આગવું પ્રદાન રહ્યું છે તેવા શ્રી અતુલભાઈ પુરોહિતને વડોદરા જિલ્લાના આઇકોન તરીકે જિલ્લા ચૂંટણી તંત્રએ જાહેર કર્યા છે અને શ્રી અતુલભાઈ પુરોહિતે આ માટે અમને અનુમોદન આપ્યું, એ માટે અમે ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ। અમને વિશ્વાસ છે કે તેમની અપીલ પણ મતદાન વધારવા માટે ખૂબ મહત્વની રહેશે। ગુજરાત કે વડોદરામાં હન્ની તલાબમાં નાવ પલટણીની દુર્ઘટના કે મુખ્ય આરોપી પરેશ શાહ કો પકડનેમાં પોલીસ કો સફળતા મિલી હૈ। गुजरात के वडोदरा में हरनी तालाब में बोट पलटने से हुई 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत मामले लेक जोन का कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास था वो परेश शाह पिछले कई दिनों से फरार था। वडोदरा पुलिस ने परेश शाह को हालोल वडोदरा रोड से गिरफ्तार किया है। वकील से मिलने वडोदरा आ रहे परेश शाह की गिरफ्तारी का वडोदरा पुलिस ने दावा किया है। वहीं दूसरी ओर वडोदरा के एक संत की मध्यस्थी से परेश शाह ने सरेंडर किया होने की चर्चा भी चल रही है। इस मामले अब तक परेश शाह, विनीत कोठिया, नयन गोहिल, भीम सिंह यादव, शांतिलाल सोलंकी, अंकित वसावा, वेद प्रकाश यादव, रश्मिकांत प्रजापति और गोपाल शाह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दुर्घटना के दिन एफआईआर दाखिल कर दी थी जिसमें परेश शाह या नीलेश जैन का नाम नहीं था, लेकिन दूसरे दिन दोनों का नाम एफआईआर में ऐड किया गया। तब से परेश शाह और नीलेश जैन फरार चल रहे थे, लेकिन अब परेश शाह भी पुलिस के शिकंजे में है। गुजरात के वडोदरा में हरणी बोट कांड के आरोपियों के 6 दिनों के रिमांड मंजूर किए गए हैं। पिछले गुरुवार करीब शाम 5 बजे हरणी के मोटना तालाब में बोट पलट जाने से 12 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हुई थी। इस मामले 6 आरोपियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। 5 दिन के रिमांड पूरे होने पर 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इन आरोपियों के 6 दिन के रिमांड मंजूर किए गए हैं। 31 जनवरी तक के पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर किए हैं। इस केस की गंभीरता को ध्यान में रखकर पूछताछ के लिए कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिन के और रिमांड पर भेजा है। इसके अलावा आरोपी विनीत कोटिया पर काली स्याही फेंकने मामले भी कार्यवाही हुई है।
एफएसएल ने विनीत पर फेंकी गई स्याही के सैंपल्स लिए हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह वाघेला ने विनीत कोटिया पर कोर्ट परिसर में ही काली स्याही फेंकी थी। पुलिस ने कुलदीप सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Bharat le raha hai electric angdai. You know hum saath chale, saath chale. साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास, आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलिशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5-स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस, सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के लक्ष्मीपुरा में दशामा तालाब है जो सालों से गंदगी से भरपूर है, लेकिन इस तालाब की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुजरात का वडोदरा शहर, जहां आबादी तो लगातार बढ़ रही है लेकिन कुदरती संसाधन लगातार कम रहे हैं। खासकर अगर वडोदरा के जल स्रोत की हम बात करें तो वडोदरा के जल स्रोत लगातार घट रहे हैं। विश्वामित्री को तो हमने दूषित कर ही दिया है, वडोदरा के कई तालाबों को भी कुछ ऐसी ही स्थिति में हमने छोड़ रखा है जहाँ पानी से ज़्यादा गंदगी की भरमार है। ऐसा ही एक तालाब आज आपको दिखा रही हूँ। ये तालाब है गोरवा का दशामा तालाब, जिसकी सालों से किसी ने सूद ली हो ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वडोदरा शहर में विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिर एक बार बजट आने वाला है और फिर करोड़ों रुपए तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के पीछे खर्च किए जाएंगे। इस बार आशा करते हैं कि इस गंदे तालाब को भी ब्यूटिफिकेशन में शामिल किया जाए। वडोदरा के गोरवा इलाके में दशामा तालाब है जो काफ़ी सालों से गंदगी से लबरेज है और यहाँ के लोग हैं लगातार मांग उठा रहे हैं कि इस तालाब की सफाई कर उसके ब्यूटिफिकेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय विधायक केयू रोकड़िया से जानेंगे कि आखिरकार इस तालाब को ब्यूटिफिकेशन करने की और सफाई करने की क्या योजना उनके पास है। केयूर भाई, दशामा तालाब बहुत सालों से गंदा है और उसे साफ करने की मांग भी हो रही है, कोई कदम उठाए गए हैं इसके बारे में? देखिए, जब मैं मेयर था तब ये विषय मेरे पे पहली बार मेरे सामने आया था कि दशामा तालाब पे जब हम गणेश विसर्जन करते हैं तब आजू बाजू के जो रईस होते हैं उन्होंने मुझे बताया था कि इसको भी डेवलप करना चाहिए। वैसे ये दशामा तालाब कोई नेचुरल तालाब है नहीं, ये आर्टिफिशियल लेक है और
ये एक्चुअल कॉरपोरेशन की ज़मीन पे नहीं है, ये गुजरात हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पे है। तो पिछले कुछ समय से, यानी कितने सालों से मांग हो रही थी कि भाई इसको डेवलप करना चाहिए। इस विषय को लेकर कलेक्टर की जो संकलन की हमारी मीटिंग होती है उसके अंदर मैंने ये आवाज़ भी उठाई थी, कॉरपोरेशन की सामान्य सभा है उसमें भी मैंने बताया था कि इस तालाब को डेवलप करना चाहिए। तब बेसिक प्रश्न ये आके खड़ा हो गया था कि इसकी ओनरशिप गुजरात हाउसिंग बोर्ड की है, अगर गुजरात हाउसिंग बोर्ड परमिशन देगी तो कॉरपोरेशन इसको डेवलप कर पाएगा जी। तब गुजरात हाउसिंग बोर्ड में भी मैंने एक लेटर लिखा है और इसके द्वारा दशामा तालाब का एक जो क्या कितनी लैंड रिक्वायर्ड है उसको डेवलप करने के लिए, तालाब की लैंड, उसके आजू बाजू की वॉकवे और अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो सके उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, ये एक दरखास्त म्यूनसिपल कमिश्नर बना के गुजरात हाउसिंग बोर्ड को भेजेंगे, तब गुजरात हाउसिंग बोर्ड इसको मंजूर करेगी। मेरी गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अभी के जो चेयरमैन हैं अश्विनी कुमार जी, जो यहाँ पे पहले कमिश्नर भी रह चुके हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हो चुकी है। तब उन्होंने बोला कि कमिश्नर के जरिए आप एक बार दरखास्त भेजिए, तो मैंने कमिश्नर को भी बता दिया था और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते दो हफ्ते में दरखास्त बन जाएगी, गुजरात हाउसिंग बोर्ड के पास जाएगी और उसके बाद उसकी परमिशन मिलने के बाद कॉरपोरेशन इसको डेवलप करेगा। यानी आने वाले 5-6 महीने में हम आशा कर सकते हैं कि बनता है कि और समय लगेगा इसमें? 5-6 महीने बहुत कम समय है, उसकी मंजूरी के लिए समय जाएगा, उसके बाद टेंडर प्रोसेस होगा। टेंडर प्रोसेस अभी तो आचार संहिता लग जाएगी 1-1.5 महीने के बाद, उससे पहले मेरे ख्याल से परमिशन आ जाएगी। अगर नहीं भी आती है तो आचार संहिता के उठने के बाद यानी मई के अंदर परमिशन अगर आ भी जाती है तो उसके बाद टेंडर प्रोसेस होगा और उसके बाद काम चालू होगा, यानी साल तो लगेगा। यानी इस गणेश विसर्जन के बाद इस तालाब का हम काम चालू करेंगे, अगले साल के, इस साल के गणेश विसर्जन के बाद तालाब के डेवलपमेंट का काम चालू करेंगे तो अगले गणेश विसर्जन से पहले तालाब बन के रेडी हो जाएगा। चलिए, काम शुरू हो गया है ये कह रहे हैं विधायक के यू रोकड़िया, और हो सकता है 1.5 साल 2 साल में तालाब का ब्यूटिफिकेशन हो, क्योंकि वहाँ काफ़ी गंदगी है, आसपास काफ़ी लोग भी रहते हैं और ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर भी खतरा है, और इसलिए इस तालाब को जल्द से जल्द साफ करके उसका कुछ ना कुछ ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है सिवाय के कचरा डालने के, तो कोई ना कोई ब्यूटिफिकेशन में इस तालाब को भी वडोदरा कॉरपोरेशन और स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता यूज़ कर सके तो वाकई में काफ़ी अच्छा होगा। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। भारत के गणतंत्र समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन भारत आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन 2 दिन के राजकीय दौरे पर आए हैं। मैक्रोन पेरिस से दिल्ली न जाकर सीधे जयपुर पहुंचे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन भारत की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत गुरुवार को जयपुर पहुंचे। फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। यहाँ आमेर किले पर भी उनका राजस्थानी तौर तरीकों से स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर के जंतर मंतर पर पहुंचे, यहाँ उन्होंने मैक्रोन का स्वागत किया। यहाँ से दोनों नेताओं ने रोड शो किया, इसके बाद उन्होंने हवा महल के सामने चाय पर चर्चा भी की। रामबाग होटल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा की गई। मैक्रोन रात को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गुजरात के वडोदरा में घटी हरनी बोट दुर्घटना मामले विश्वामित्री बचाव समिति ने पुलिस को आवेदन पत्र देकर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। 18 जनवरी को हरनी के मोटना तालाब में बोट पलट जाने से न्यू सनराइज स्कूल के 12 बच्चे और 2 शिक्षिकाओं की मौत हो गई थी। इस मामले 18 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। विश्वामित्री बचाव समिति ने स्कूल संचालकों और कॉरपोरेशन को बख्श देने पर आपत्ति जताते हुए पुलिस भवन में ठोस कार्यवाही की मांग की है। અને અન્ય જમીનો જે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની હસ્તક છે, તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ આ તળાવને ડેવલપ કરવા માટે એક પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ, એટલે
पब्लिक तरीके वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्राइवेट तरीके कोटिया प्रोजेक्ट्स आ बे जणे करार करेलो हतो। आ करार में जे पण कंटेन होय तळाव में बोटिंग करवानुं हतुं अने बोटिंग करवामां दुर्घटना सर्जाई ने 18 तारीखे 12 जेटला मासूम बाळको अने बे शिक्षकोना मौत थया। ज्यारे सदोष मानव वधनी फरियाद दाखल करवामां आवी छे त्यारे करारना बे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप એટલે કે બે પાર્ટનર વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને કોટિયા પ્રોજેક્ટ્સ, તો કોટિયા પ્રોજેક્ટ્સના નાવડી ચલાવનારથી લઈ એની ઉપર મજૂર બેસનારથી લઈ ને એના માલિકો કે સંચાલન કરનારા અપ્રત્યક્ષ રીતે સંચાલન કરનારા બધાને જ આરોપી બનાવ્યા છે। તો કરારના પ્રથમ પાર્ટનર તરીકે જ્યારે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન છે તો કોર્પોરેશનના બનાવેલા નથી, તો એ કોર્પોરેશનના જવાબદાર અધિકારીઓ કે જેમણે આ કરાર કરીને કોટિયા પ્રોજેક્ટ્સને આપેલું છે જેની જવાબદારી એ પણ બને છે કે ફ્રિકવન્ટલી આની મુલાકાત લઈને વિઝિટ કરીને જે પણ ખોટું હોય ગેરકાયદેસર થતું હોય જોખમી થતું હોય તો એની તપાસ કરવાની રહે એને વિઝિટ કરવાની રહે એને બંધ કરવાનું રહે કે એને સુધારા કરવાનું રહે તો એ પણ ભાગમાં એ લોકોની એક ગુનાહિત બેદરકારી સામે આવેલ છે। તો આ ગુનાહિત બેદરકારી માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફ્યુચરિસ્ટિક સેલ ડિપાર્ટમેન્ટના જે પણ લોકોએ આ ટેન્ડરની શરૂઆત કરી હોય મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબે જેને આને ટેન્ડર જોઈને આવું ટેન્ડરમાં શરતો વગર કે એની વિઝિટ વગર કે એની ઉપર તકેદારી રાખ્યા વગર મંજૂર કર્યું હોય મંજૂર કરીને એમને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીને મૂક્યું હોય તો સ્ટેન્ડિંગના ચેરમેને પણ જોયા વગર એને મંજૂર કર્યું હોય અને એ સમગ્ર સભામાં આવે ત્યારે જે તે વખતના મેયર પણ આ પ્રોજેક્ટને મંજૂર કરતા હોય ને તકેદારી જોઈ ના હોય તો એ બધા જ સરખા જવાબદાર બને છે। આ ઉપરાંત હાલના ફ્યુચરિસ્ટિક ડિપાર્ટમેન્ટના જે બી કાર્યપાલક ઇજનેર છે એમની પણ એક જવાબદારી બને છે કે ફ્રિકવન્ટલી આ અઠવાડિયે કે 15 દિવસે આ તળાવની મુલાકાત લે, કેમ કે એ પણ એક જનહિત ભાગીદારીમાં ભાગીદાર છે અને એમને પણ લોકોની જાનહાન ના થાય એની તપાસ કરવાની હોય ચોક્કસ માર્ગદર્શન આપવાનું હોય કે બંધ કરાવવાનું હોય ખોટું થતું હોય તો એ પણ એમાં નિષ્ફળ ગયા છે। તો ગુનાહિત બેદરકારીના એ પણ એક જ ભાગ છે તો એમની પર પણ એક આ આરોપ મૂકીને કાર્યવાહી કરવામાં આવે એની પણ માંગ છે। સાથે સાથે ન્યૂ સનરાઈઝ સ્કૂલ કે જે સ્કૂલના મુખ્ય સંચાલક હોય મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી હોય કે એની સાથે નફા નુકસાનમાં ભાગીદારીમાં જોડાયેલા જેટલા પણ હોય તો જ્યારે એ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી પિકનિક માટેના ચોક્કસ રકમ લઈને જાણવા મળ્યા મુજબ 750 રૂપિયા એક બાળક પાસેથી લીધેલા હતા તો આ ચોક્કસ રકમ લઈને જ્યારે આવી રીતના મોકલતા હોય તો એમની પણ એક જવાબદારી બને છે। માત્ર 4 શિક્ષકો સામાન્ય શિક્ષકોના આધારે છોડી દેવાય નહીં અને જોખમી કે જેકેટ વગર બેસાડતા હોય તો એમને પણ એનું ધ્યાન દોરવાનું હોય ને એને રોકવાના હોય એમાં પણ સદંતર નિષ્ફળ ગયેલા છે। તો એ શાળાના આ તમામની ઉપર પણ આરોપી બનાવી અને ગુનાહિત કાર્યવાહી માટે ગુનાહિત બેદરકારી માટે આરોપી બનાવીને કાર્યવાહી કરવામાં આવે। 26 જનવરી કો મનાય જાને વાલે ગણતંત્ર પર્વ કે ઉપલક્ષ્ય મેં વડોદરા મેં લાખો રૂપિયા કે તિરંગે કી બિક્રી ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ મેં હો રહી હૈ। जनवरी सन 1950 ये वो दिवस था जब भारत का संविधान अमलीकरण में लाया गया था। तब से आज तक भारत उसी संविधान पर चलता है और इसीलिए 26 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरा देश मनाता है। इस दिवस पर ध्वजारोहण यानी राष्ट्रध्वज लहराने की परंपरा है और उसी के तहत आज वडोदरा शहर में राष्ट्रध्वज की बिक्री हो रही है। फिलहाल मैं खादी ग्रामोद्योग में खड़ी हूँ और यहाँ अलग अलग साइज के तिरंगे जो हैं वो बिक रहे हैं जिसे स्कूल के लोग सोसाइटी के लोग अलग अलग संस्थाओं के लोग खरीद रहे हैं। यहाँ तिरंगे के साथ साथ अलग अलग ब्रॉच और अलग अलग वस्तुएं भी बिक रही है जो तिरंगे को दर्शाती है और जब राष्ट्रीय पर्व होता है तब ये तिरंगा वैसे भी तिरंगा देश की आन बान और शान है और ऐसे में अलग अलग वस्तुओं की बिक्री हो रही है जो राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। इस तरह के बटन फ्लैग ब्रॉच अलग अलग चीज़ें यहाँ बिक रही हैं
जिसका 26 जनवरी में पर इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रध्वज के साथ तीन रंगों के खेस की भी बिक्री हो रही है। ये रंग हमेशा ही देश के लिए बेहद ही खास है और जब राष्ट्र पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, तब जगह जगह ये रंग जो है वो भारत की शान बढ़ाते हैं। जब से राष्ट्रध्वज को फहराने के नियम थोड़े से फ्लेक्सिबल किए गए हैं, तब से अब ना सिर्फ संस्थाओं में बल्कि सोसाइटी में भी हर जगह तिरंगा हम लहरा सकते हैं और इसलिए अब तिरंगों की बिक्री में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रध्वज देश की आन बान और शान है, ऐसे में इसे कैसे फहराना उसकी जानकारी भी यहाँ दी जा रही है। आनी पहला फोल्ड बराबर आ सेकंड फोल्ड એમાં તમારે સૂકા ફૂલ કે પછી તમે કોઈ પણ કાગળની પટ્ટીઓ મૂકી શકો, લીલા ફૂલ મૂકવાના નહીં, જે આર્ટિફિશિયલ ફૂલ મૂકાય કારણ કે ધબ્બા પડી જાય, વ્હાઇટ કલર હોય એટલે ધબ્બા પડી જાય એના કારણે। પછી આપણે ચાર આંગળ લઈ લેવાના ને આપણે સાડીની સ્પ્લીટ વાળીએ ને એ રીતે આપણે ઓલ્ટરનેટ બરાબર છે આવી રીતે તમારે એક સુધી આ રીતે તમારું કંઈક એ થશે। પછી જે નીચેની દોરી આપણે પાછળની સાઈડની જે દોરી આવે ને એનાથી તમારે આ એક લુપ્પી બનશે, આ તમને ઇઝી રીતે બતાવી દઉં। અને આ બીજી લુપ્પી બનશે બરાબર આ રીતે। પછી એને આપણે જે નોર્મલ ગોળાગાંઠ મારીએ છીએ ફૂલગાંઠ એ જ મારવાની, કોઈ ચિંતા નહીં, તમે ગમે તેટલી ખેંચશો ને ફિટ કરશો કોઈ ચિંતા નહીં, એ ખુલશે। હવે તમે નીચેથી એટલે આવી રીતના તમારું કંઈક હશે ખોલ આ રીતે, એટલે તમે આ ખોલ આ ખેંચશો ને તો ઉપર જશે ને આ ગલી આપણી ગરગડીમાં ફિક્સ થઈ જશે। પછી આ જે આગળની દોરી છે નીચેની એ ખેંચવાની, એટલે તમારે પરફેક્ટ રાષ્ટ્રધ્વજ થશે। रावपुरा का खादी ग्रामोद्योग वैसे भी हम सबका पसंदीदा है क्योंकि यहाँ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो कुछ यूनिक हो, कुछ बेहतरीन हो। और अब यहाँ पर वैसे सालों से तिरंगों की बिक्री होती आई है और तिरंगों की बिक्री में भी अब काफ़ी बढ़ोतरी आई है। यहाँ के सेल्समैन जयदीप भाई पाटिल हमारे साथ है। जयदीप भाई, अलग अलग साइज़ के तिरंगे बिक रहे हैं, उसकी कोई वजह कोई लोग अलग अलग साइज़ खरीदते हैं? हाँ, अभी जो हमारा जो लास्ट टाइम हर घर तिरंगा आया था उसके बाद जो नियम और जो रूल्स है वो थोड़े मतलब सॉफ्ट हुए हैं, इसकी वजह से हर घर में अभी सब लोग चाहते हैं कि तिरंगा लहराए। हर सोसाइटी में भी होता है, पहले जो नहीं होता था, कम होता था, मतलब अभी हर सोसाइटी वाले, हर मतलब सब स्कूल वाले, हॉस्पिटल वाले और सब जगह अभी तिरंगा लहराया जाता है और काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। आप लोग खादी में बनाते हैं ये तिरंगे की अलग अलग चीज़ों में बनाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ खादी में ही बनता है तिरंगा, क्योंकि उसके काउंट के हिसाब से जो कपड़ा लेना चाहिए उस काउंट के हिसाब से ही तिरंगा बनाया जाता है और हम उसी में बनाते हैं जी। क्या विशेषता है इन अलग अलग साइज़ के तिरंगों की? जो विशेषता है उसमें मतलब है जो 2x3 का जो फ्लैग है वो स्कूल और जो छोटी संस्था होती है उसमें लहराया जाता है, जो बड़ी संस्था होती है जैसे कि कंपनी रहती है उसमें 3x4.5 रहता है, फिर जो तालुका और गवर्नमेंट में बड़ी संस्था रहती है उसमें 4x6 है, 3x4.5 है, 6x9 है, जैसे साइज़ के तिरंगे लहराए जाते हैं। तिरंगा लहराना हमेशा ही हमारे लिए गर्व की बात होती है, क्या आप समझाते हैं जब ये तिरंगा लोगों को भेजते हैं कि किस तरह से इसे फहराना है, क्योंकि इसकी आन बान शान को कायम रखना भी ज़रूरी है, तो आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं उन्हें? हाँ, इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे कि उसकी मतलब जो हमारा ऑरेंज जो बाग है वो ऊपर ही आना चाहिए और वो मतलब जैसे कि लहराते हैं तो लहराने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से नीचे लाया जाता है, कैसे पैक करके रखना चाहिए और कैसे उसके नीति नियम को मतलब पालन करना चाहिए।
आप मतलब तिरंगा फिर हम अपने घर में फोल्ड करके रख सकते हैं, उसे अगली बार यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हैं उसको। वो दूसरा एक नियम है कि उसको घर पे नहीं वॉश कर सकते हम, ऐसा जो नियम है वो नियम भी हम समझाते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर अगर ख़राब हो जाता है तो वो आप कलेक्टर ऑफिस में या हमारे खादी ग्राम उद्योग में आके जमा करके नया तिरंगा खरीद सकते हैं। और तिरंगे के साथ साथ और भी चीज़ें आप बेच रहे हैं? हाँ, जैसे है कार फ्लैग है, जो कार में अभी देखे जाते हैं कि तिरंगा का जो मतलब उनको जो अच्छा लगता है तो वो लोग कार में भी लगाते हैं, ऑफिस टेबल पे भी लगाते हैं, सब जगह अभी मतलब तिरंगा लगाते हैं, और वो जान के हमको भी बहुत खुशी होती है। बिक्री है उसमें कितना सुधार हुआ, पहले कितने बिकते थे और अब इस बार कितने तिरंगे बिके हैं? पहले जब ये हर घर तिरंगा नहीं आया था तब मतलब 50 से 60 हज़ार की बिक्री होती थी हर दिन, अभी 1 लाख से 1.25 लाख रुपए हर दिन की बिक्री है, और ज़्यादातर 2x3 और 3x4.5 हमारा ज़्यादातर बिक्री होता है। अब तिरंगों की बिक्री में भी सुधार हुआ है क्योंकि सरकार ने भी इसके नियमों में थोड़ी छूट छाट दी है, लेकिन इसकी जो मर्यादा है, इसकी जो आन बान शान है, उसके साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। भारत का सिंबल है, देश भर में तिरंगे के नाम से भारत जाना जाता है, और ऐसे में राष्ट्र ध्वज को जब हम सलामी देते हैं तब से लेकर उसे फहराने से लेकर उसे नीचे उतारने तक सारी गाइडलाइन का पालन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये देश का सिंबल है, देश की आन बान शान का प्रतीक है, और ऐसे में राष्ट्रीय पर्व पर जब बढ़ चढ़ कर हम तिरंगा लहराएंगे उसके बाद तिरंगे को आन बान शान के साथ उसी तरह जैसे उसके नियम बने हुए हैं ऐसे ही उसे वापस रखना है। अगर अगली बार इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, तो आप यहाँ जमा भी करा सकते हैं। राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा हम सब लहराएंगे, लेकिन उसकी जो इज्जत है उसे एक भारतवासी होने के नाते हम सब कायम रखें, ये बहुत ज़रूरी है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का वीआरएम टीवी के लिए। वडोदरा के गोत्री इलाके की बहुमंजिला इमारत में लगी आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। गुजरात के वडोदरा के गोत्री रोड पर वेल्थ स्क्वायर बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगने की घटना सामने आई। अचानक लगी आग से बिल्डिंग के अंदर रहे लोग घबरा गए और भगदड़ मच गई। आग से बचने की कोशिश कर रही एक महिला पैर फिसलने से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हुई। घायल महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आग में फंसे 15 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। आग को फौरन काबू में लेने की कोशिश की गई, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग देखते ही देखते टेरेस तक पहुंच गई। दरअसल बिल्डिंग के लिफ्ट के हिस्से में वायरिंग में हुई गड़बड़ी की वजह से ये आग लगी जो टेरेस तक फैल गई। हादसे में करीब 15 लोगों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंची। गोत्री रोड पर वेल्थ स्क्वायर बिल्डिंग छे, एमा वड़ी वड़ी फायर स्टेशन में अमने कॉल मळ्यो के बिल्डिंग में आग लगी छे। अमे घटनास्थल पर गया, पछी नीचे जोई तो मोटी आग हती, एटले ग्राउंड फ्लोर में अमे कंट्रोल कर लीधी अने टेरेस सुधी धुमाड़ो हतो अने 2-5 माणस जेवा हता एमने रेस्क्यू करीने बहार काढला छे। મિનિમમ 7-7 લોકોને બહાર કાઢેલા છે અત્યારે, ના જાનહાની એક લેડીઝ ખાલી શું કહે કે ટેરેસના આપણે દાદરમાં હતી, લપસી ગયા હતા, એમને હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અત્યારે। શોર્ટ સર્કિટ નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં શોર્ટ સર્કિટના લાગી લ્યા। ખબરો કા દોર યુહી ચલતા રહેગા, ફિલહાલ વક્ત હૈ એક બ્રેક કા।
ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट, राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जूरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107-88800. ठेलों पर हमेशा भीड़ देखने मिलती है, लेकिन पानी पूरी खाने के शौकीन लोगों को एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन सबसे ज्यादा पानी पूरी का मजा लेते हैं, लेकिन गुजरात के वडोदरा से वायरल हुआ ये वीडियो देखने के बाद पानी पूरी खाने के शौकीन लोग दो बार जरूर विचार करेंगे। ये वीडियो दांडिया बाजार इलाके का है। भीरुनाथ आइसक्रीम शॉप के बाहर देव नारायण कोल्ड पानी पूरी बेची जाती है, जहाँ पानी पूरी के लिए इस्तेमाल में लाए जाते आलूओं को पैरों से धोया जा रहा है। इस वीडियो में आलू को पैर से धोता हुआ आदमी साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वीडियो वायरल होने पर नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर फिर एक बार सवाल उठे हैं। वीडियो वायरल होते ही दुकानदार दुकान को ताला लगाकर फरार हो गया है। गुजरात के महिसागर जिले के संतरामपुर में स्थित आजाद मैदान को लेकर युवाओं द्वारा प्रशासन से नाराजगी जताई जा रही है। संतरामपुर नगर में स्थित आजाद मैदान में नगर पालिका द्वारा गंदगी और पार्किंग कर अतिक्रमण किया गया है। पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियां और माल सामान को भी इसी मैदान में रखा जाता है। खनिज माफियाओं द्वारा इस मैदान में रेत के ढेर कर दिए गए हैं। संतरामपुर में ये एकमात्र मैदान है जिसमें युवा क्रिकेट खेलने और शारीरिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए मैदान का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा ही मैदान में गंदगी और अतिक्रमण किए जाने से नगर के युवा परेशान हो रहे हैं। इन युवाओं द्वारा प्रशासन से बार बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते आज मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया। बड़ी हमारे अर्जी करता आज ये मामलतदार साहब ने भी हमें अर्जी करी छे। ग्राउंड ना अंदर हर एक धर्म ना विस्तार ना लोग रमे छे और नाना बालको रमे छे। आजूबाजू स्कूलों भी छे, एना अंदर आज ये नगर पालिका द्वारा बहु गंदगी करवामां आवेलू छे। एना लीधे अमे मामलतदार साहब ने अर्जी करी छे। ने बीजू कावा तमे वाहनो जोई लो, वाहनों अंदर भी बहु ए लोग करू है। तंत्र अंदर आज अमार अरजी कर एट्ला आई है कि अँ टूर्नामेंटो थाय हर एक लेगर थी और पानी निकाल नहीं नगरपालिका द्वारा। बीजू कि अँ पुलिस एना अंदर लीधे गाड़ियों भी मुकम है नगरपालिका द्वारा के हर एक वस्तु अंदर गंदगी कारण आज मैदान बहु ए थी गयू है। एना अंदर बीजू के तमे जोई सको छो कि स्कूल भी बने बे स्कूलों छे। अहीं एसबी हाईस्कूल संतरामपुर छे, अहीं कन्याशाला छे जो लेडीजनी छे, एना अंदर भी एना कने भी बहु गंदगी छे। नगरपालिकानी अमे अरजी करीए छीए कि मांग करी छे कि ग्राउंड ने साफ सफाई साथे ये करीए छीए ने एटलू अमारी अरजी आपवानी छे नगरपालिका द्वारा। और बीजू छे कि नगरपालिकाने जो वाहनो मुकेला छे ये खाली हटाई ले। गुजरात के वडोदरा में रिक्शा, इको तथा बस में स्कूली बच्चों को वहन करने की क्षमता से अधिक भर दिए जाने का वडोदरा शहर यूथ कांग्रेस के प्रमुख द्वारा विरोध करते हुए पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया। स्कूल वाहनों में बच्चों को कैपेसिटी से अधिक भर दिया जाता है। वाहनों में कैपेसिटी से अधिक बच्चों को बिठाए दिए जाने से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वाहन चालकों द्वारा इस मामले लापरवाही की जाती है। इस मामले
वडोदरा शहर यूथ कांग्रेस के प्रमुख पवन गुप्ता द्वारा पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया और इस मामले वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट और नीति नियम के पालन को लेकर कड़क कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। वडोदरा शहर में गत 18 तारीखे समग्र देश ने हचमचावी नाखे एटली मोटी दुर्घटना कॉर्पोरेशन ना अने कॉन्ट्रेक्टर ना बेदरकारी ना कारणे थई जेना अंदर 12 बाळकोनो जीव गयो, 2 शिक्षकोनो जीव गयो, मृत्यु पाम्या छे। એ ઘટનાને આપણે પાછા તો નહીં વાળી શકતા, પણ ભવિષ્યના અંદર ફરી વખત આવી કોઈ ઘટના ના થાય એની તકેદારી અત્યારથી લઈએ તો ઘણું સારું। એ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને દરરોજ સવારે વડોદરા શહેરના હજારો વિદ્યાર્થીઓ એમના પરિવારો એમને રિક્ષામાં, બસમાં, વેનમાં બેસાડીને અને એમના સારા ભવિષ્યને ભણતર માટે સ્કૂલે મોકલતા હોય છે, ત્યારે એ રિક્ષાવાળા, બસવાળા, વેનવાળા અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓને એનામાં બેસાડીને, વ્હીકલમાં બેસાડીને અને જીવના જોખમે લઈ જતા હોય છે। ત્યારે અમે કમિશનરશ્રીને એ માંગ કરવા આવ્યા છે અને એ આવેદન આપવા આવ્યા છે અને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે જે ઘટના ઘટી ગઈ છે એનું પુનરાવર્તન ના થાય એ હેતુસર વડોદરા શહેરના તમામ સ્કૂલોને અને એ સ્કૂલોથી કનેક્ટેડ તમામ આ વ્હીકલોને નોટિસ આપવામાં આવે, એની ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ માંગવામાં આવે, એમનો યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવે અને તમામ વ્હીકલની એક સીટિંગ કેપેસિટી નક્કી કરવામાં આવે, તાકી વધારે ઓવરલોડના કારણે બીજી વખત કોઈ બસ દુર્ઘટના કે રિક્ષા દુર્ઘટના કે વેન દુર્ઘટના ના ઘટે અને વિદ્યાર્થીઓનો ફરી જીવ ના જાય એની તકેદારી રાખવા માટે અમે કમિશનરશ્રીને આવેદન આપવા આવ્યા છે। ગુજરાત કે વડોદરા કે વાઘોડિયા રિંગ રોડ પર કી જા રહી ગટર લાઇન કી કાર્યવાહી ધીમી ગતિ સે ચલ રહી હૈ, જિસકી વજહ સે લોગો કો પરેશાનીઓ કા સામના કરના પડ રહા હૈ। ગુજરાત કી વડોદરા સિટી કો સ્માર્ટ સિટી તો કહા જાતા હૈ, લેકિન સિર્ફ કાગઝ પર હી અચ્છા લગતા હૈ। અભી શહેર મે વિકાસ કે વિવિધ કાર્ય કિયે જા રહે હૈ। વાઘોડિયા રિંગ રોડ પર કાન્હા રેસિડેન્સી કે પાસ પિછલે 20 દિનો સે ડ્રેનેજ લાઇન કી કાર્યવાહી જારી હૈ। યહાં સ્કૂલ કે પાસ હી બડા સા ગડ્ઢા ખુલા છોડ દિયા ગયા હૈ, જિસકે ચલતે બચ્ચો કે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત હોને કા ડર બના હુઆ હૈ। ગડ્ઢે મે પાણી ભર જાને સે મચ્છરો કા ઉપદ્રવ બઢ ગયા હૈ। સ્થાનીય દ્વારા કઈ બાર શિકાયતે કી ગઈ, લેકિન કોઈ કાર્યવાહી નહીં હો રહી હૈ। યહાં રાસ્તે સકરે ઓર બડે બડે હોને સે ઓર ગડ્ઢે બડે હોને સે લોગો કો આને જાને ઓર પાર્કિંગ મે મુશ્કિલો કા સામના કરના પડ રહા હૈ। બેહદ ધીમી ગતિ સે ચલ રહી ઇસ કાર્યવાહી કે ચલતે સ્થાનીયો દ્વારા જલ્દ ઇસ કાર્યવાહી કો ખતમ કિયે જાને કી માંગ કી જા રહી હૈ। કાદા રેસિડેન્સી પાસે વરસાદી ગટર જેરે હા વરસાદી ગટર ની પાઇપલાઇન ની કામગીરી ચાલી રહી છે। હાલ માં મોસ્ટ ઓફ મુખ્યત્વે ઘર બધી કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે ને અમુક જગ્યાએ માટી પુરાની કામગીરી હાલ પ્રક્રિયામાં છે। અત્યારે હાલ તબક્કે 90-95% જેટલી કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે। જ્યારે આંગણવાડી એટલે આંગણવાડી છે ને એની પાછળના એક નાનો ભાગ છે, અત્યારે હાલમાં કામગીરી પૂર્ણ થશે। ખાલી પાણીનું કોઈ જગ્યાએ નાનું માઇલો લીકેજ છે, લીકેજની એ કામગીરી પતી જશે ને ત્યાં જે માટી લેવલિંગ જે કરવાનું છે એ પણ સાથે સાથે કામગીરી પૂર્ણ થઈ જશે। ગુજરાત કે સુરત મે શહેર પોલીસ દ્વારા જન જાગૃતિ હેતુ રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ કાર્યક્રમ આયોજિત કિયા ગયા। हमारे देश में रोड दुर्घटना में हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग अपनी जान गंवाते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सूरत के पुलिस परेड ग्राउंड पर सूरत शहर पुलिस द्वारा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को सेलिब्रेट किया गया। इस आयोजन के तहत रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत लोगों में जागरूकता लाई गई। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारी, सूरत के अग्रणी और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर द्वारा हेलमेट का वितरण भी किया गया। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 ना शुभारंभ ना कार्यक्रम में आज मोटी संख्या में शहर ना आगेवानों, नागरिकों, स्कूल ना विद्यार्थियों, पुलिस मित्रों, आरटीओ विभाग ना अधिकारियों, बीजा विभाग ना अधिकारियों अने મોટી સંખ્યામાં મીડિયાના મિત્રો પણ હાજર રહ્યા। રોડ સેફ્ટી એક એવી બાબત છે જે બધાના ઉપર લાગુ પડે છે, કેમ કે એના ભોગ ગમે ત્યારે કોઈ પણ બની શકે અને કોઈના પણ પરિવારના કોઈ સભ્ય ક્યારે માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામે કે દવાઈ જાય તો એના આખા પરિવાર ઉપર બહુ ગંભીર આડઅસર પડતી હોય છે। આપણે આ બાબતે વધારે સભાન, સચેત બનવાની જરૂર છે, શિસ્ત કેળવવાની જરૂર છે। સુરત શહેર ટ્રાફિક વિભાગ, આરટીઓ અને તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ મળીને આ બાબતે ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે। ગુજરાત કે પવિત્ર યાત્રાધામ અંબાજી મે પોષી પૂનમ કે ચલતે ભવ્ય શોભાયાત્રા ઓર શક્તિ યજ્ઞ કા આયોજન કિયા ગયા। પોષી પૂનમ યાની માં અંબા કા પ્રાગટ્ય દિન, જિસકે ચલતે પોષી પૂનમ કા અંબાજી મે અનોખા મહત્વ હૈ। ઇસ મોકે પર અંબાજી મે ભવ્ય શોભાયાત્રા કા આયોજન કિયા ગયા। ઇસ મોકે પર ગબ્બર મંદિર શિખર પર ધ્વજા ચઢાઈ ગઈ और ढोल नगाड़ों के साथ पैदल यात्रा कर अंबाजी मंदिर में गब्बर से जोत लाई गई।
और मां के मंदिर में महाआरती की गई। इस दौरान आयोजित शोभा यात्रा में 2100 किलो की सुखड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। शोभा यात्रा में नासिक के ढोल पर नाचते हुए आदिवासी नृत्य, सांस्कृतिक और धार्मिक झांकियों की कतार के साथ भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली। इस दिन माँ ने भूमि को हरा भरा होने का आशीर्वाद दिया था, जिसके चलते पोष पूनम के दिन माँ भगवती का शाक भाजी से श्रृंगार किया जाता है। शोभा यात्रा के मंदिर लौटने पर स्वर्णिम शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। माँ अम्बा नो पाटोत्सव जन्म दिवस आज तो अंबाजी नगर आखू जय अंबे नाथ थी गुंजी उठ्यु छे। सवारे गब्बर थी 7 वागे ज्योत लावीने मंदिर ना अंदर ज्योत थी ज्योत मिलावीने शक्ति द्वारे भव्य आरती करवामां आवी हती। नवे माताजी हाथी ऊपर बिराजमान थईने नगर मां भक्तों ने दर्शन आपवा माटे निकल्या छे अने 35 जेटली झांकीओ छे, साथे साथे 2100 किलो सुखड़ी नो प्रसाद पण भक्तों मां वेचाई रह्यो छे। बोल मारी अंबे, जय जय अंबे ना नाथी पूरो अंबाजी नगर झूमी उठ्यु छे अने शोभा यात्रा नगर मां फरीने पाछी शक्ति द्वारे परत फरशे अने त्यां ध्वजा चढ़ावीने पूर्ण विराम करवामां आवशे तो दरेक धर्म प्रेमी जनता ने शोभा यात्रा नो लाभ लेवा विनंती। गुजरात के महीसागर के लुणावाड़ा में लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा द्वारा वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की गई। लोकसभा चुनाव के चलते गुजरात की सभी 26 लोकसभा में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के निर्णय के तहत 23 जनवरी से ही गुजरात में वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की गई थी। इसी कार्यक्रम के तहत आज महीसागर जिला के लुणावाड़ा में भाजपा द्वारा वॉल पेंटिंग के कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 के पार के सूत्रों के साथ दीवार पर कमल का चिन्ह बनाकर प्रचार शुरू कर दिया गया। इस मौके पर पंचमहाल लोकसभा विस्तार के सांसद रतन सिंह राठौड़, बालासिनोर के विधायक मान सिंह चौहान, रावजी पटेल, प्रदीप सिंह राठौड़, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा की सर पीटी साइंस कॉलेज ने राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात राज्य का नाम रोशन किया है। IPSA एकेडमी इंदौर और IAPTRC 9 मध्य प्रदेश द्वारा इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में वर्किंग साइंस मॉडल में मोड़ासा की सर पीटी साइंस कॉलेज ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गुजरात राज्य का नाम रोशन किया है। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने टेलीस्कोप के श्रेष्ठ मॉडल को प्रदर्शित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर गिरीश वेकरिया के मार्गदर्शन में कॉलेज के छात्र पार्थ मेहता, अक्षय प्रजापति की टीम ने कॉम्पिटिशन में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त कर समग्र राज्य का नाम रोशन किया। इस अचीवमेंट के चलते कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर KP पटेल, केलवड़ी मंडल के प्रमुख नवीन चंद्र मोदी और कॉलेज के पदाधिकारी द्वारा विद्यार्थियों का अभिवादन किया गया। अमे नेशनल साइंस एग्जीबिशन इंदौर नी अंदर पार्टिसिपेट करेलो, एनी अंदर 50 थी वधार कॉलेजों भाग लीधेलो, एमां अमारो फर्स्ट नंबर आवेलो छे अने ते बदल हूँ सर पीटी साइंस कॉलेज मोड़ासा प्रिंसिपल श्री अने अमारा गाइड वेकरिया सरनो खूब खूब आभार मानु छू। अने अमे जे मॉडल रजू कराया था ए बहुज ओछा खर्चे रजू कराया था अने ते बजार में मळता बहुज मोगा मॉडल करता सारा हता अने ते आवना निरीक्षकों ने बहुज गम्या हता अने ते मॉडल बदल अमने 21,000 रुपयानु रोकड़ इनाम आपवामां आव्युं हतुं अने तेथी हूँ तेमनो आभार मानु छू। अरवली जिल्लानी आ कैम्पसनी बे कॉलेजना 6 विद्यार्थीओए 3 प्रोजेक्ट रजू करेला। ते 3 प्रोजेक्ट पैकी टेलिस्कोप माटेनो लेटेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट सौ प्रथम नंबरे आवता श्रेष्ठ मॉडल तरीके तेनी पसंदगी थई छे अने आ विद्यार्थीओने रुपया 21,000 इनाम प्राप्त थयेलू छे। आ रीते आ कैम्पस द्वारा सुंदर इनोवेशन कार्यक्रम विद्यार्थियों द्वारा करी आ मॉडल देश लेवले पसंद थवा बदल अरवली जिला कैम्पस अने समग्र गुजरात राज्यनुं नाम आ कैम्पसे रोशन कर्युं छे। हूँ प्रिंसिपाल श्री, तमाम प्रोफेसर श्री अने तमाम विद्यार्थियों ने हूँ आ बाबते खूब खूब अभिनंदन आपू छू। गुजरात के वडोदरा के पादरा के मासरगांव के 5 युवाओं पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है। पादरा के मासर गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के 5 युवाओं द्वारा इंस्टाग्राम आईडी से विवादित पोस्ट किया था। 2 कौम के बीच अशांति फैलाने के इरादे से इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट की गई। पादरा के भोज गांव में कुछ दिन पहले ही पत्थरबाजी की घटना हुई थी। युवाओं द्वारा किए गए इस पोस्ट से फिर से इलाके में अशांति का माहौल पैदा हो सकता था,
जिसके चलते पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई और युवाओं के मोबाइल जब्त किए गए। गुजरात के वडोदरा के डभोई में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डभोई के श्री CNPF आर्ट एंड DN साइंस कॉलेज सेमिनार हॉल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नए मतदाता उपस्थित रहे। केंद्र सरकार द्वारा आज नमो नव मतदाता सम्मेलन जगह जगह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक शैलेश मेहता, पालिका प्रमुख बीरेन शाह, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नए मतदाता उपस्थित रहे। इन्हें विधायक शैलेश मेहता द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। एक मत राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य है, जिसके चलते तमाम मतदाताओं को मत करने की अपील की गई। आज ना दिवस है भारतीय युवा जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा देश में दरेक ठेकाने नमो नव मतदाता सम्मेलन नु आयोजन करवामां आव्युं छे अने एना ज भाग रूपे दरबाती डभोई खाते कॉलेज में युवानोनुं एक सम्मेलन करवामां आव्युं। नव मतदाताओनुं सम्मेलन करवामां 18 वर्ष अने एनी उपरना युवानो जे मतदार थया नथी એ તમામને મતદાર બનાવવા માટેનો, સાથે સાથે જ દેશ જે રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે અને મોદી સાહેબનું આજે લાઈવ માર્ગદર્શન પણ મળ્યું છે, નમો મતદાન સંમેલન દ્વારા તમામને જોડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, ખાસ કરીને યુવાનોને આગળ લાવવાનો અને દેશ એક મજબૂત રીતે આગળ વધે। સાથે જ નરેન્દ્ર ભાઈ મોદી ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બને અને ભારતને હજુ પણ વધારે ઊંચાઈ પર લઈ જાય એવા શુભ આશયથી આ નમો મતદાર સંમેલનો રાખવામાં આવ્યા છે। હું આપના મારફત તમામ યુવાનોને મોદી સાહેબે જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે એ માર્ગદર્શન પર આગળ વધવા માટે વિનંતી કરું છું। વડોદરા બોટ દુર્ઘટના મામલે પોલીસને પરેશ શાહ ઓર ગોપાલ શાહ કી ગિરફ્તારી પર पत्रकार परिषद का आयोजन किया। वडोदरा के हरणी बोट दुर्घटना को 8 दिन बीत गए हैं। पिछले गुरुवार घटी इस घटना में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य संचालक परेश शाह और गोपाल शाह आज जाकर पुलिस गिरफ्त में आए हैं। परेश शाह को हलोल से जबकि गोपाल शाह को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा बनाई गई SIT के अधिकारियों ने जानकारी दी। हरणी लेक जोन में जो 18 तारीख जो बना उसके अनुसंधान में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी SOG PCB और क्राइम ब्रांच की जो टीमों हैं वो टीम हर एक एक्यूज के पीछे है। सर्वेलेंस टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर एक गोपाल शाह है तो उनको हमें रायपुर छत्तीसगढ़ से उसको अरेस्ट किया है और जो दूसरा एक्यूज है परेश शाह उसको हमने हलोल से अरेस्ट किया है। दोनों को आज सीट के सामने लाया गया है और उनको अरेस्ट बताया गया है करीब 3:30 बजे। अभी प्राइमरी हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है और कल हमें इन लोगों को कोर्ट के सामने पेश करेंगे और रिमांड के लिए जाएंगे। तो रिमांड जैसे मिलता है तो उसके बाद हम उसके डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी वो कहाँ गया था, कब बड़ौदा छोड़ा था, बड़ौदा से कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, कहाँ कहाँ वो रुका है, वो सब जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा उस टाइम आपको आपके समक्ष पेश किया जाएगा। और जो पुराने जो 6 आरोपी हमने पकड़े थे आज उनका रिमांड खत्म हो रहा था तो नामदार कोर्ट को हमें फिर से रिक्वेस्ट किया तो सबका 31 तारीख तक रिमांड मिला है। फिर से फर्दर रिमांड तो फर्दर रिमांड के टाइम में पर हम उनका डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो जो हमारी कड़ियाँ बाकी है इन्वेस्टिगेशन जो जो साइड करना बाकी है वो साइड हम इन्वेस्टिगेशन करके
जो इन्वेस्टिगेशन ने जो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो आपके साथ शेयर किया जाए। वीरम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।